I'm a OD boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. चैनल और आज है संडे, संडे का शाम हो रहा है। मीठी सो रही है, अभी जा रही हूँ मैं उसे उठाने। पहले सोचा दूध गर्म कर लूँ फिर उसको उठाऊँगी। और एनिवर्सरी को हो गए हैं 4-5 दिन और हम लोग का ना रेगुलरली कुछ प्लान बन रहा है, क्योंकि एक पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो बोले कि चलेंगे किसी दिन बाहर, मैं भी पीछे पड़ गई हूँ कि हाँ चलो चलो चलो। तो रोज़ किसी न किसी रीज़न से कैंसिल ही हो जा रहा है। तो फिर फाइनली ये था कि वीकेंड पे चलेंगे, तो आज संडे है तो कुछ नहीं, बस बाहर डिनर करने का प्लान है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज का भी प्लान कैंसिल ही होने वाला है, क्योंकि आज सुबह सुबह ही शायद कॉल आया था उनके पास में, जय के पास में, कि ऑफिस के सारे कलीग मिलकर लंच पे जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि वाइफ को भी लेकर आना है। तो लेकिन ये था ना कि अचानक प्लान बना और वहाँ ऑफिस के लोगों में ना, मैं ज़्यादातर लोगों को जानती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा, और फिर जय नहीं बोला रहने तो हम लोग शाम को कहीं चलेंगे। तो जय गए हुए हैं 2 बजे, हम लोग अभी लंच वंच करके आराम ही कर रहे थे, मैं भी लेटी ही हुई थी, अभी जस्ट उठी हूँ। तो अब क्या होता ना कि अब मैंने भी फ़ोन किया था कि क्या करना है, जाना है या नहीं, तो कह रहे 6:30 तक रेडी रहो, मैं आता हूँ। तो पता नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, मतलब ऐसा एक दो बार हुआ है कि मतलब मैं रेडी हो जाती हूँ उसके बाद भी प्लान कैंसिल हो जाता है, इसलिए रेडी होने के बाद में प्लान कैंसिल होता है, गुस्सा आता है। तो लेकिन खैर, अगर ऐसा भी रहेगा कि मैं वो आ जाए और रेडी ना रहूँ, तो फिर तब भी कैंसिल ही हो जाएगा। एनीवेज, तो मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो मैंने सोचा उससे पहले ब्लॉग स्टार्ट करते, ब्लॉग तो खैर सुबह से ही स्टार्ट है, मैंने सोचा थोड़ा बात कर ले। तो प्लान मैंने ही ऐसा कुछ बनाया था कि आज डिनर करने जाएंगे और डिनर करने दिल्ली जाएंगे, हम लोग गुड़गांव में हैं तो दिल्ली जाएंगे, गुड़गांव किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। और मैंने एक मतलब ऐसे ही ऑनलाइन देखा रेस्टोरेंट, मेरा वहीं जाने का मन कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि वो पॉसिबल होगा कि नहीं। 6:30 बजे ऐसा तो है नहीं कोई इंसान ऑलरेडी बाहर लंच पे गया है और आके तुरंत रेडी हो जाए कि हाँ चलो डिनर पे। लेकिन 6:30 बजे आएंगे, अगर जाते वाते अगर 7-7:30 निकलेंगे, तो जो रेस्टोरेंट मैंने देखा हुआ है वो दूर है, मतलब यहाँ से अराउंड 34 किलोमीटर वो दिखा रहा था, तो उतना टाइम भी लगता है, फिर संडे है, जाम रहेगा, तो पता नहीं वहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं सच में कैंसिल कर दूँगी, फिर ऐसे ही यहाँ वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। एनीवेज, लेकिन रेडी हो जाते हैं, देखते हैं इनकेस अगर बोले कि हाँ चल लो करना क्या है। तो चलिए रेडी होते हैं, मीठी को भी उठाते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा था, मैंने ये सूट ख़रीदा था एनिवर्सरी पे पहनने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज एनिवर्सरी डिनर पे ही जा रहे थे, तो मैंने यही पहन लिया, कुछ ऐसा है। तो मैं काफ़ी देर से रेडी हूँ, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, मीठी भी तैयार है और अभी बज रहे हैं 7। अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी आ रहे हैं जैसी। मास्क की जरूरत है? जूते क्या पहन रहा उसके ऊपर? कौन सा शूज पहनू? इसके ऊपर हील्स कैसे लगेंगे?
इसके ऊपर हील अच्छा लगेगा? हाँ पहन, जबरदस्ती का मत बोलना। लास्ट मिनट मैंने अपने कपड़े बदल लिए क्योंकि थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, मतलब दिल्ली के दिल्ली प्लीज नहीं, क्या तुमको दिक्कत है गाड़ी में? दानी का तुम्हें इशू नहीं ना है वैसे, मतलब गाड़ी कितना टाइम लगेगा? 20 किलोमीटर कितने आवर्स होते हैं? 20 किलोमीटर नहीं, 34 किलोमीटर नहीं, 26। अच्छा तो अच्छा वो सेविला जो मैंने बोला था शायद वो 34 किलोमीटर है। तो हम लोग जिस मैंने मैंने किया है, आई डोंट नो कैसा होगा। तो उस रेस्टोरेंट का नाम है ओलिव बार किचन, ओलिव बार एंड किचन। तो जाने में यहाँ से 1 घंटे लगेंगे। मैं थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। ऐसे में ओवर एक्साइटमेंट में मैंने सूट वूट पहना हुआ था ये सोच के कि एनिवर्सरी डिनर है, तो सलवार कमीज वगैरह पहन के रेडी हो गई थी। और दूसरा एक बिग रीज़न ये भी था कि बहुत गर्मी हो रही थी उसमें। तो और ये रही मीठी, कहाँ गई मीठी? और साथ में आ गई है दानिका भी। दानिका का सडन प्लान बन गया, दानिका आ रही थी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने, तो पता चला हम लोग बाहर जा रहे थे, हम लोग सब अब बाहर जा रहे हैं। गुड़गांव में बोला नहीं मैंने, द बिग ट्री कैफे बोल करके एक हाँ वो 12-13 किलोमीटर, लेकिन ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो लगा ना वो वही था। चलने का चल सकते फिर वहाँ कभी और चल लेंगे, तुम्हारा मन तुम यहाँ बोलोगे। नहीं तो ऐसा थोड़ी की जिंदगी में आज ही एक फर्स्ट एंड लास्ट निकल रहे हैं। क्योंकि जो एक सेविला है ना वो तो क्या बिग ट्री कैफे देखो कहाँ है, द बिग ट्री कैफे मैं इसलिए नहीं बोल रही ना, वो थोड़ा सा रोमांटिक टाइप उस तरह का है। अरे जो ये है ना यू क्या हुआ है तुम्हें? हो गए एक रेस्टोरेंट था जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, वो स्पेशल था सिर्फ सी फूड के लिए था। क्या तो नाम मनन के तो पेरेंट्स के साथ और था जीटी रोड रेस्टोरेंट। मुझे लग रहा ना जैसा वहाँ का फूड का जो फोटो वगैरह मैंने देखा ना उसको देख के मुझे लगा कि वो आपको पसंद आता, मतलब वहाँ का खाना आपको पसंद आता। मैं तो इंटीरियर और वो सब देख करके थोड़ा सा वहाँ का एम्बियंस देख करके मुझे ये वाला रेस्टोरेंट पसंद आया। कुछ बता रही थी दानी क्या हुआ पेरेंट्स? कुतुब मीनार दिखना चाहिए, हम लोग कुतुब मीनार के पास पहुंच गए, लेकिन रात में कैसे दिखेगा? नहीं ऊपर लाइट जलता है। हाँ उसके ये पे लाइट तो जलता है, इधर दिखेगा कि इधर दिखेगा? अभी नहीं दिखा। आपको दिखा क्या? आप दिखा दो। अभी तक ये रहा कुतुब मीनार, पूरी लाइटिंग की हुई है, अच्छी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। रात में पहली बार देख रही हूँ मैं, बड़ा बड़ा अच्छा, मैंने बिचारी की पूरा दिख जाता है, पूरा नहीं दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है बस। यही एंट्री था ना कुतुब मीनार का? आई हूँ बहुत पहले, एक बार आई हूँ, अब दिखा जा करके एक बार। फाइनली वी आर अराइव्ड। अम्ब्रेला देख रही है कि तुम्हारी बेटी है मेरी एक दो फ्रेंड है लिखते नहीं, अपना फेस दिखा दो। मामी शांति बनारस अच्छा लग रहा था। फोटो क्लिक कर दो, रुक जाओ। मीठी डांस कर रही है, मीठी उसको उसको खींच रही है डांस करने के लिए, देखो ना। दानिका को बोल रही है डांस करने। मैंने जिस रेस्टोरेंट में प्लान किया था एक्चुअली वहाँ पे किड्स अलाउड नहीं है, यहाँ आ करके अचानक, लेकिन यहाँ जिस एरिया में हम लोग हैं ना वहाँ मतलब चारों तरफ रेस्टोरेंट ही, बहुत अच्छा है एम्बियंस लग रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पर पूछ के हम लोग आए जो फैमिली रेस्टोरेंट है, कोई रूह बोल का रेस्टोरेंट, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ सामने मनीष मल्होत्रा का समथिंग आई नो, पता नहीं मनीष मल्होत्रा क्या है, सब ड्रेसेस वगैरह होंगे क्या? या इट्स अ शोरूम राइट, मनीष मल्होत्रा, दिस वन मनीष मल्होत्रा क्यों लिखा है? तो डिजाइन है
डिज़ाइनर है, क्लोथ डिज़ाइनर बहुत फेमस बॉलीवुड के सारे मूवी का पता है ना उसी का। चले तब खड़े दनिका, तुम बाबू माँ के साथ बैठ जाओ वहाँ पर, मैं इसके साथ बैठती हूँ, इसको खिलाऊंगी। क्या प्लान करके हम लोग आए हैं, क्या पहुँच गए यहाँ पर, कुतुब मीनार दिख रहा है, वो दिख रहा है हमारे विंडो से, कुतुब मीनार। मिठी तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? फ्रेंच फ्राइज। वो कौन है, वो कौन है दीदी? अब तुमसे पानी पियो, कोल्ड वाटर। गुस्सा क्यों हो रही हो? इसको बस ये चाहिए, इसमें डुबाएगी और फिर चूसे। ये क्या है, मटन है? मीठी कैसा ये वाला मटन? ये वो प्रॉन्स पेपर फ्राई भेट की पातुरी। मलाई टिक्का तो हम लोग खत्म करते हैं, मजा इसका देखो ना, ये सच में बहुत मस्त होगा। देखा था मैंने, एंट्री पे ही देखा था। इसको फोटो को क्यों नहीं एक्चुअली बहुत कुछ हुआ यहाँ से, मैंने एक रेस्टोरेंट जो चूज़ किया हुआ था, मैं बहुत एक्साइटेड थी एक्चुअली उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए। रिव्यू वगैरह पढ़ने के बाद ही एक्साइटमेंट था, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पहले गई हुई हूँ। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ इवनिंग टाइम में, जैसे कि वो ओपन होता है 4 बजे, तो उस टाइम तो नहीं लेकिन इवनिंग से 7-8 बजे के बाद से किड्स अलाउड नहीं होते, क्योंकि मतलब म्यूज़िक अलाउड नहीं था, लेकिन जैसे अल्कोहल और वो स्मोक और ये सब रीज़न था जिसकी वजह से किड्स अलाउड नहीं थे। तो अब तो भाई जय ने भी बोल दिया, तुम पहले से ठीक से देखती नहीं हो, प्लान कर लेती हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट थे और उतना दूर ड्राइव करके चले गए थे, 1 घंटे ड्राइव करके गए थे। लेकिन वो जगह ऐसा था ना कि वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे बहुत अच्छे, मतलब मुझे वो एरिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्या होता ना कि मैं इतने दिन से गुड़गांव में जाती हूँ कहीं, जैसे अभी लास्ट टाइम भी बर्थडे में गई थी एक जगह पर, इतना म्यूज़िक होता ना कि आप किसी से बात ही नहीं कर सकते यार, इतना लाउड म्यूज़िक मुझे नहीं पसंद आता। तो यहाँ मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, वो जगह भी बहुत ग्रीनरी था, बहुत बहुत कुछ अच्छा था वहाँ। पता है मनीष मल्होत्रा का सब कुछ, मतलब ये था क्या कहते हैं उन शोरूम ही होगा और क्या होगा, तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स का था, प्लस बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे, बार थे, और बहुत मतलब सूदिंग म्यूज़िक था वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि आपका सर फोड़ू म्यूज़िक लगा के रखा हो, ऐसा नहीं था। तो मुझे जगह बहुत अच्छा लगा और हम लोग फिर वहाँ पूछे किसी गार्ड से कि कोई ऐसा रेस्टोरेंट बता दो जहाँ की फैमिली जा सके, किड्स अलाउड हो, तो क्योंकि अब आ गए हैं तो खाते तो जाना है। तो गए, तो उसका नाम रूह था, तो फूड बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। जाने से पहले मैं जो मैंने सूट वूट चेंज, अच्छा वो मैंने सूट चेंज कर लिया था, नहीं तो वहाँ तो सूट पहन के अजीब ही लगता। तो एनीवेज मैं गुस्सा वस्सा हो गए थे, उसने मेरा मूड ऑफ हो गया था, मेरा जाने का मन नहीं था, और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं जाती और मैं भी एकदम बिल्कुल मुँह फुला के बैठ जाती तो थोड़ा झगड़ा वगड़ा तो हो ही जाता, तो मैं वैसा भी पूरा अपना शाम नहीं ख़राब करना चाहती थी बस। लेकिन मेरा मूड ऑफ हो गया था, मेरा जाने का मन नहीं था, मैंने क्लियरली मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है अब जाने का। तो जब बोला, अरे कौन सा लेट हुआ है, डिनर ही तो करने जाना था, लेट हो गया तो क्या होगा। मैंने कहा कि आप सोचो यार, आप अभी लंच से आए हो और अभी घर में आ रहे हो, फिर डिनर के लिए कहीं निकलोगे, बिना मन का जाने का जरूरत नहीं होता है ना। ये लड़की आई भी, इसके भी कपड़े बदलने हैं, जगह है वॉशरूम, मैंने आते ही सबसे पहले इसको खाना खिलाया,
क्योंकि इसने थोड़ा बहुत वहाँ बस राइस वाइस खाया था, ज़्यादा कुछ खाई नहीं थी, और रास्ते भर रोटी 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 कर रही थी। तो इसको आते हैं मैंने सेरेलेक खिला दिया। रोटी बनाती क्योंकि घर में घुसते ही दूध का बॉटल लेके घूम रही थी। मुझे पता था कि उस टाइम पर मैं रोटी देती तो ये रोटी नहीं खाती, सेरेलेक इसको पसंद है तो वो खा लेती है। तो अब चली मैं चेंज करने। और हाँ, तो जहाँ गए थे वहाँ का फूड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम लोगों ने सोचा कि फिर कभी जाएंगे जैसे इस तरह से, कि फिर कभी मतलब मीठी रुक जाए अगर रागिनी के साथ में, तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी। क्या ढूंढ रही हो तुम? वॉल्यूम कम कर दिया तुमको। टीवी रिमोट नहीं, तो अभी टीवी नहीं देखना है ना बेटा। नो, आज इसका मैंने थोड़ा डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई किया था, लेकिन ये तो खींच खाँच के सब खराब कर लेती है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड, आप लोगों से मिलती हूँ, हाथ दर्द हो रहा है, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मिठी अपने टॉयज तुम हटाओ, जहाँ बैठ रही हूँ वहाँ पर पोंका बज रहा है। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिठी बाय, टाटा बाय, टाटा मिठू बाय, टाटा नहीं बोलोगी?